पिताश्री, आपसे एक विशेष चर्चा करनी थी। हाँ शाम, कहो क्या कहना है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो अतिथि द्वारका में आए हैं वो सभी आपसे भेंट करना चाहते हैं, किंतु एक समस्या है, वो सभी संख्या में अधिक है, तो कदाचित आपका उनसे भेंट करना कठिन हो। ये भी कोई समस्या हुई साहब, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाकर उन सभी से कह दो कि मैं उन सभी से मिलूंगा। द्वारका आया हुआ हर एक व्यक्ति, हर एक अतिथि किसी की इच्छा पूर्ण नहीं रहेगी। अवश्य पिताश्री, मैं उन सभी को जाकर आपके संदेश दे दूंगा। इस समस्या का हल तो तुमने निकाल दिया काना, परंतु राधा, राधा का क्या? मैं स्वयं राधा से बात करूंगा। भविष्य के गर्भ में जो भी है उसे स्वीकार तो करना होगा राधा को। क्या विचार कर रही हो राधे? देखो इस सागर की उन्मुख लहरों को और स्थिर किनारे को, हमारा संबंध भी तो ऐसा ही है ना। लहरें चाहे तट से कितनी भी दूर क्यों ना चली जाए, पुनः उससे आकर अवश्य मिलती है, क्योंकि लहरों को तट की प्रतीक्षा का आभास होता है। लहर का किनारे से दूर जाना नियति है, किनारे का लहर की प्रतीक्षा में रहना भी नियति है, और दोनों का मिलना भी नियति है। यदि इस लहर की भांति तुम्हारा मुझसे दूर जाना नियति है, तो मेरा भी इस किनारे की भांति तुम्हारी प्रतीक्षा करना भी नियति है, ताकि हमारा मिलन पूर्ण हो सके। विधि के इस विचित्र विधान की अनुभूति ने ही मुझे यह आभास करवाया है। अब उस वरदान के पूर्ण होने का समय आ गया है, तो मैंने देवी सरस्वती से मांगा था। हे प्रिय राधा, यदि तुम कृष्ण की मृत्यु नहीं देखना चाहती तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण की मृत्यु से पूर्व हो। यदि तुम्हारी नियति में इस देह को त्याग कर पृथ्वी लोक से गोलोक जाना लिखा है, तो जैसे किनारा लहर की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मैं इस देह को त्याग कर तुमसे पूर्व गोलोक जाकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। प्रेम भी कितनी कठिन परीक्षा लेता है, जिसमें प्राण बसते उसकी मृत्यु देखना तो इस संसार का सबसे बड़ा हृदयघात है, और राधा कृष्ण को वही हृदयघात क्यों देना चाहती? राधा कृष्ण तो अवतरित ही हुए हैं संसार को प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए। इन दोनों ने सदैव अपने प्रेम से हमें यही सिखाया कि प्रेम निस्वार्थ होता है, और अब अपनी पृथ्वी लोक से गोलोक तक की यात्रा में भी ये संसार को एक बहुत बड़ी सीख देने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्षण मेरे आराध्य के जीवन का सबसे कठिन क्षण होगा। वो देवी राधा को स्वयं अपने जाने की पीड़ा का अनुभव भी नहीं करवाना चाहते, इसलिए आराध्य को देवी राधा की इस मांग को स्वीकार करना ही होगा। क्या हुआ, इतने व्यथित क्यों हैं? आप तो द्वारका गए थे ना श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए। कैसे मिलता उनसे? वो श्री कृष्ण है, द्वारका के नरेश। मैं ऐसे रिक्त हाथ उनके समक्ष कैसे चला जाता? द्वारका तो इतनी बड़ी नगरी है, आप वहीं से उनको कोई उपहार दे देते। प्रयत्न किया था मैंने, परंतु श्री कृष्ण को देने योग्य कोई उपहार नहीं मिला मुझे। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? आप व्यर्थ ही इतने व्यथित हो रहे हैं, स्मरण कीजिए
आपने ही तो मुझे बताया था कि कैसे श्री कृष्ण धर्म और कर्म की सीख देते हैं। उन्हीं का तो कहना है कि मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलते हुए बस कर्म करते रहना चाहिए। हाँ, मरण तो है मुझे। उन्हीं के आशीर्वाद से तो आप एक निपुण आखेटक बने हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, परंतु इसका अर्थ क्या है? अर्थ बिल्कुल सरल है। आपको श्री कृष्ण के लिए आखेट करना चाहिए, इससे आपको उनके लिए एक उचित उपहार भी मिल जाएगा और श्री कृष्ण को ये भी ज्ञात हो जाएगा कि अब आप एक निपुण आखेटक बन चुके हैं। ये विचार तो मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं। मैं इसी क्षण श्री कृष्ण के लिए उपहार लाने हेतु आखेट के लिए निकलता हूँ। राधे, तुम कहाँ हो? मुझे ज्ञात है तुम्हारी इच्छा क्या है। कृष्ण के मौन रहने का क्या अर्थ हो सकता है यदि कृष्ण ने मुझे वचन नहीं दिया कि सर्वप्रथम मैं अपना देह त्याग कर पृथ्वीलोक से चली जाऊं। मेरे लिए कृष्ण के अंत का साक्षी बनना मेरे लिए मृत्यु के समान होगा। कैसे सहूंगी मैं ये पीड़ा? कैसे दे दूं तुम्हें ये वचन मेरा? दे, तुम मेरा हृदय हो, तुमसे बिछड़ना मैं कैसे सह पाऊंगा? भूल गए कृष्ण, मिलकर बिछड़ना और बिछड़ कर मिलना राधा कृष्ण की नियति है। कृपया कर मुझे जाने दो कृष्ण, ताकि मेरे हृदय में तुम्हारी मृत्यु की असहनीय पीड़ा नहीं वे तो तुम्हारे साथ बिताए कि वह सुखद क्षणों की स्मृतियां हों। तो कहते हो ना कृष्ण कि सखी की इच्छा तुम्हारे लिए आदेश, तो आज क्या तुम अपनी सखी की ये अंतिम इच्छा स्वीकार नहीं करोगे? मेरी विनती स्वीकार कर लो कृष्ण, दे दो वचन कि तुमसे पूर्व मैं अपना देह त्याग कर लूं। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। सखी की इच्छा इतनी है आदेश, इतनी है आदेश, इतनी है आदेश। ओम घृणी सूर्याय नमः। श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे, हम उनके दर्शन को आतुर हैं। जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाते तब तक हमारा हृदय कहीं और कैसे लग सकता है? ताऊश्री, पिताश्री कहाँ रह गए? तुम व्यथित मत हो साम, यदि कान्हा ने कहा है कि वो आएगा तो वो अवश्य आएगा। कदाचित किसी महत्वपूर्ण कार्य में रह गया होगा। अपना वचन पूर्ण कराने के लिए मैंने तुम्हारे हृदय को जो क्षति पहुंचाई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। यदि कोई और मार्ग होता जिससे हम दोनों को इस असहनीय पीड़ा का सामना ना करना पड़ता, एक दूसरे की मृत्यु का साक्षी नहीं बनना पड़ता, तो मैं बिना बिना एक क्षण भी व्यर्थ किए उस मार्ग पर चल देती। रांता, तुम्हारे सांसों की डोर जो मेरे समक्ष टूटेगी तो मुझे भी उतनी ही पीड़ा होने वाली है जितनी कि तुम्हें। किंतु तुमने पहले मुझसे वचन मांगा तो अपनी सखी की इच्छा का अनादर तो नहीं कर सकता ना मैं। मैं तुम्हारी इच्छा मानूंगा, किंतु तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी राधा। कौन सी बात कृष्ण? मकर संक्रांति की ये पूजा इस द्वारका की अंतिम पूजा है राधे, और मैं ये पूजा तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ये बात तो मेरा हृदय भली भांति जानता है, इसके अतिरिक्त जो बात है तुम्हारे हृदय में वो बताओ। किंतु वो बात बताने से पूर्व मैं चाहता हूँ कि तुम ये भली भांति समझो, जो भी मैं कहने वाला हूँ वो अति आवश्यक है राधा। अब और विलंब मत करो कृष्ण, कहो क्या बात है।
मौन मत रहो कृष्ण, बताओ क्या मांगना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि अपने मृत्यु दूत के नेत्रों में देख कर मैं उससे भेंट करूं। जब मैं उससे भेंट करूं तब तुम मेरे साथ खड़ी रहो।